जा रहा हूँ, उसके प्रमोटर्स जो हैं, उसके डायरेक्टर्स कौन, का बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आए, क्या वो एक विजन के साथ आए, एक मिशन के साथ आए, या वो भी एक अपनी छोटी सी दुकान खोल के छोटे मोटे पैसे बटोर के भागने के लिए आए। क्योंकि इंडस्ट्री का बदनाम होने का कारण ही ये रहा है कि लोगों ने अपने कैरियर लगाए, कोई एक साल में गया, कोई डेढ़ साल में गया, प्रोडक्ट भी लेके आया, कोई प्लान भी लेके आया, ऑफिस भी खोला, सॉफ्टवेयर भी बनाया। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपके जो प्रमोटर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मिशन क्या है। उसके बाद आप डायरेक्ट सेलिंग की रूल्स जो आज आए हैं उन्हें कंपनी कितना फॉलो कर रही है, उसका जो एग्रीमेंट हो रहा है अपने डायरेक्ट सेलर के साथ वो कितना स्ट्रॉन्ग है फॉर कंपनी एंड फॉर डायरेक्ट सेलर आल्सो, दोनों के लिए वो एग्रीमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो प्रोडक्ट के ट्रेडमार्क क्या उसके हैं, या वो किसी के भी लेके बेच रहा है, जिससे वो प्रोडक्ट ले रहा है या बना रहा है वो तो उनके ऊपर है। तो वो प्रोडक्ट जो ले रहा है या बना रहा है वो प्रोडक्ट पे क्या उनके पूरे पैरामीटर्स पे कंप्लीट है, क्या वो लैब टेस्टिंग है, क्या वहाँ R&D हुई है। उसके बाद आपका जो प्लान आप दे रहे हो मार्केट में वो एक लालच तो नहीं फेंक रहे, क्या कैलकुलेशन है, क्या मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है, क्या उस प्लान में परसेंटेज दिखा के बताया जा सकता है कि आज ये आपने जो बोला ये मेरे को जीवन में कैसे मिलेगा, या ये कोई आपको ब्रीफ कर सकता है कि ये पैसा यहाँ से आएगा। तो वो सारे पैरामीटर्स, पेपर्स, गवर्नमेंट के सारे कंप्लायंस, प्रोडक्ट की लीगल मेट्रोलॉजी से आपका जो लेवल है वो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से अप्रूव है, तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारे लोग, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो बहुत प्यारे और बहुत इमोशनल होते हैं और मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। वो समझ में जब आता है जब गाड़ी छूट चुकी होती है या 2-3 साल जीवन के खराब होते हैं।